अजय सर, जब भी मुद्दों पे फिल्में बनती हैं, कोई मुद्दा आता है तो सीवीएफसी का जो रुझान होता है बहुत अजीब सा होता है, वो कई सीन काटते हैं और कहते हैं ये मत डालो वो मत डालो, तो इसके लिए कितना प्रिपेयर है आप एज अ प्रोड्यूसर? ऐसी फिल्म जब बनती है तो आपको प्रिपेयर तो होना ही पड़ता है, तो जितना जितना जितनी रियलिटी हम दिखा सकते हैं उतनी आप कोशिश करते हैं, हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं और कई जगहों पे वो भी अपनी जगह सही है कि एक एक हद के बाद आप कुछ नहीं दिखा सकते, बट ये तो आई थिंक मेकर्स का मॉरल ये होना चाहिए कि उनको भी उससे ज़्यादा दिखाना नहीं है, जो कि लीना ने बिल्कुल इस फिल्म में किया। तो इस फिल्म में बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं आई कि कुछ कटना चाहिए। हाँ, फिल्म ए सर्टिफिकेट जरूर डिजर्व करती थी और हमने मांगा भी यही था जो हमें मिला। The film has traveled all over the world, got so many a lot of recognition and we have been reading, but why has it taken so long to release in India? Logistics, finding the support for the release, that's why we are very thankful to it's rely. It's very sad ke इशू चाहे दुनिया भर का हो लेकिन फिल्म हमारे देश की है और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी सैड कि हिंदुस्तान में शुरू करने के बजाय हमको दुनिया भर में शुरू करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में एक्सेप्ट करती हैं, और जब वहाँ से घूम के पिक्चर यहाँ आई है अब हमें लगता है कि यहाँ भी एक्सेप्ट ज़रूर होगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक जो ये मिथ बना हुआ है कि सिर्फ एक टिपिकल कमर्शियल फिल्में चलती हैं, आई थिंक वो आप लोगों को तोड़ना चाहिए। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन अब वो ऑडियंस ही तोड़ सकती है।